शहर हैदराबाद में जबरदस्त तूफानी बारिश के बाद होने वाले नुकसान कसरत से सुनने को मिल रहे हैं। जी हाँ, हुसैनी आलम में एक पुरानी इमारत गिरने की वजह से इस इलाके में सनसनी फैल गई। इस अफसोसनाक हादसे में 6 अफराद घायल और 2 अफराद की मौत वाकई हो चुकी है। बहरहाल ऐसी तूफानी बारिश के बाद जो लोग बोसीदा इमारत में रह रहे हैं उन्हें चाहिए कि एहतियाती इकदाम पर अमल करते हुए चंद रोज के लिए इन पुरानी इमारत से मुंतकिल हो जाएं ताकि जानी और माली नुकसान से महफूज रह सकें। तो ये देखते हैं शहर हैदराबाद में बारिश की तबाहकारियां। एक गाड़ी है साहब, एक लेडी को निकाले साहब, अभी आसरा हॉस्पिटल को भेजे। नहीं साहब, सीरियस है, कहते 4 को पहले भिजा दिए, 4 पेशेंट को, उसके बाद अभी एक लेडी को निकाले, निकाल के अभी एम्बुलेंस में भेजे आसरा। जो मैं भी बोला सोनल को, तुम ठहरे आ रहा, तुम आसरा में बैठा और बैठी लेकर चले गए, अभी मैं छोड़ गया हूँ और आए तो उस्मानिया में एक भी नहीं। से आगे बिस्सा हाउस के अपोजिट में एक बिल्डिंग डिसमेंटल हो गई, जिसमें 5 आदमी जख्मी हुए और उन तमाम पेशेंट्स को असरा हॉस्पिटल भेजा गया। हमारे मुतालिका कारपोरेटर राजमोहन साहब, महमूद खादरी साहब, हमारे तमाम इब्तदाई के सदर मुतमदीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहकर 4 पेशेंट तो पहले हॉस्पिटल भेजा दिए। अभी मलबा थोड़ा सा पूरे बस्ती के नौजवान लड़के तमाम मलबा साफ करके एक लेडी को निकाल के अभी असरा हॉस्पिटल भेजा है। हम लोग भी असरा हॉस्पिटल जा रहे हैं और बल्दिया के हमले को बोल दिया, फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया, बल्दिया के हमले को बोल के पूरी बिल्डिंग डिसमेंडल करके साफ करवाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल हर महाज पर काम करते आ रही है। आज ये बड़ा बुरा सानिया है, अल्लाह ताला इनको तमाम जो भी जख्मी है अल्लाह ताला इनको शिफा कामिला अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जितना भी हत्तल इम्कान कोशिश होगी, हम लोग जा रहे हैं, मैं महमूद खादरी, हमारे साथी कारपोरेटर राजमोहन साहब भी असरा हॉस्पिटल जा रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के ताल्लुक से। जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका अखराजात बर्दाश्त करेंगे। किसी को परेशान, उनके मुतालिक इनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि चूँकि असरा हॉस्पिटल भी हमारी जमात का दवाखाना है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर सही उनकी देखभाल होगी, सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।